गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जियोग्राफी का टॉपिक सोलर सिस्टम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या है टर्म सेलेस्टियल बॉडीज, ये कौन सी बॉडीज होती हैं भैया? आर ऑब्जेक्ट लाइक सन, मून, स्टार्स एंड अदर दैट शाइन इन द नाइट स्काई, जो रात को चमकते हैं, वो सब सेलेस्टियल बॉडीज हैं। सम अर्थ भी नहीं सॉरी सन मून स्टार्स ये सब चमकते हैं ना, साइन करते हैं। तो उसके बाद आते हैं सम सेलेस्टियल बॉडीज आर वेरी बिग एंड मेड अप ऑफ गैस एंड हीट। ओके, कुछ जो सेलेस्टियल बॉडीज हैं वो गैस और हीट से बनी होती हैं और कुछ बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। दे हैव देयर हीट एंड लाइट विच इज इमिटेड इन लार्ज अमाउंट, इनके खुद की अपनी लाइट होती है और जिससे ये लार्ज अमाउंट में इमिटेड छोड़ते हैं। ठीक है, दीज सेलेस्टियल बॉडीज आर कॉल्ड स्टार्स एंड आवर सन इज ए स्टार। ठीक है, द सन एंड द मून एंड ऑल दीज ग्लिटरिंग ऑब्जेक्ट, जो चमकते रहते हैं, शाइनिंग, स्पार्कलिंग करते रहते हैं लाइट को, इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज। ठीक है, कॉन्स्टेलेशंस क्या है, ये टर्म क्या है कॉन्स्टेलेशन? डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार्स फ्रॉम वेरियस पैटर्न। ओके, ग्रुप ऑफ स्टार्स वेरियस पैटर्न एंड दे आर कॉल्ड कॉन्स्टेलेशन। ओके, सप्तऋषि इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्स्टेलेशंस। ओके, ट्रम सेलेस्टियल बॉडीज दैट डू नॉट हैव देयर ओन हीट, मैं पीछे वाली लाइट में गलत बोला, वो खुद की लाइट से चमकते नहीं। सेलेस्टियल बॉडी हैं जैसे कि आपके स्टार्स हैं, मून हैं, दे डू नॉट हैव देयर ओन हीट लाइट, लिट बाई द लाइट ऑफ द स्टार्स आर कॉल्ड प्लैनेट। ओके, नहीं नहीं वो सही थी टर्म, मैं कंफ्यूज हो गया। इसमें क्या है कि जो सेलेस्टियल बॉडी डू नॉट हैव देयर ओन हीट, जिसकी खुद की ओन हीट नहीं है, लाइट नहीं है, और जो दूसरे की लाइट से चमकते हैं, आर स्टार्स या जो भी ऑब्जेक्ट हैं, आर कॉल्ड प्लैनेट्स, जैसे मार्स, अर्थ। अब हम आते हैं सोलर सिस्टम पे। सोलर सिस्टम क्या है? सोलर सिस्टम इज मेड अप ऑफ द सन। ओके, अपना जो सोलर सिस्टम है, सन उसका केंद्र बिंदु, 8 प्लैनेट्स हैं, सेटेलाइट हैं एंड अदर सेलेस्टियल बॉडीज हैं। सन में, सन के बारे में देखते हैं, द सन इज इन द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम, बिल्कुल ठीक है। इट इज ह्यूज एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस। ओके, इट प्रोवाइड द पुलिंग फोर्स, एक तो होता पुश, धकेलना, पुल मीन्स खींचना, एक फोर्स दैट बाइंड द सोलर सिस्टम, जो हमारे जो ग्रह हैं, जो प्लैनेट हैं, उनको जोड़ी रखता है उनके पाथ में फ्लो करने के लिए, इसीलिए तो इधर उधर नहीं एक दूसरे से टकराते। उसके बाद है द सन इज द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ द सोलर सिस्टम, ठीक है। द एनर्जी इज प्रोवाइडेड बाई न्यूक्लियर फ्यूजन, ये क्वेश्चन बनता है कि सन किससे, हमें जो लाइट प्रोड्यूस होती है हीट, वो किसी होता है, वो तो न्यूक्लियर फ्यूजन से होता है ना, फिशन से, ठीक है, फ्यूजन रिएक्शन होती है उनसे। फिर आते हैं दैट कन्वर्ट, जो फ्यूजन, दैट कन्वर्ट हाइड्रोजन इनटू हीलियम इन द कोर ऑफ सन, हाइड्रोजन को हीलियम में चेंज करते हैं जिससे, और वो मल्टीप्लाई होती जाती है। द ग्लोइंग सरफेस ऑफ द सन दैट वी सी इज कॉल्ड फोटोस्फीयर। हाइड्रोजन एंड हीलियम आर द मेन गैसेस प्रेजेंट इन द सन, हाइड्रोजन और हीलियम। इट हैज़ सरफेस टेम्परेचर ऑफ अबाउट 6000
डिग्री सेल्सियस, इट टेक 224 मिलियन ईयर टू कंप्लीट वन सर्कल रिवोल्यूशन अराउंड द गैलेक्टिक सर्कल कॉल्ड कॉस्मिक ईयर. द सन इज दिस कितने है 13 लाख टाइम्स बिगर देन द अर्थ इन टर्म ऑफ वॉल्यूम. एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ इज दिस. टेम्परेचर वाओ. टाइम टेकन बाय सनलाइट टू रीच द अर्थ इज 8 मिनट 16.6 सेकेंड. सोलर विंड क्या होते हैं? सोलर विंड में द सन इज कॉन्टिन्यूसली इमिटिंग स्ट्रीम, अगर हीट निकलती रहती है स्ट्रीम ऑफ फोटोन इन ऑल डायरेक्शन ईदर एज ए स्पायरल स्ट्रीम कॉल्ड सोलर विंड. ठीक है, प्लैनेट्स देखते हैं. देर आर 8 प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम इन ऑर्डर टू देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन. सबसे पास में कौन है? मरकरी. उसके बाद अर्थ, जुपिटर, ऐसे मरकरी, वीनस, सॉरी अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस और नेपट्यून. प्रोनाउंसिएशन बैड प्रोनाउंसिएशन. यूरेनस. आउटर प्लेनेट में कौन कौन से हैं भैया? आउटर प्लेनेट में देखते हैं. वेरी फार फ्रॉम द सन आर ह्यूज प्लेनेट मेड अप ऑफ गैस एंड लिक्विड. सबसे पहले आता है जुपिटर. ठीक है, जो सबसे फार है. नहीं, सबसे फार तो नेपच्यून है, बट पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये. ठीक है, जुपिटर क्या है? जुपिटर वन ऑर्बिट अराउंड सन इज 11 मंथ्स अबाउट 12 ईयर. वन स्पैन ऑन एक्सिस इज 9 hours 56 मिनट एंड नंबर ऑफ मून्स 16 और सैटेलाइट हैं 67. ये 16. फिर आता है सैटर्न. वन ऑर्बिट अराउंड सन 29 ईयर 5 मंथ. वन स्पैन ऑफ एक्सिस कितना है? 10 घंटे 40 मिनट. नंबर ऑफ मून अबाउट 18. सैटेलाइट है 62. फिर आता है यूरेनस. वन ऑर्बिट अराउंड द सन इज 84 ईयर. ओ माय गॉड. ठीक है, और वन स्पैन अराउंड ऑन एक्सिस इज 17 घंटे 14 मिनट. नंबर ऑफ मून ऑर्बिट इज 17, सैटेलाइट 27. फिर सबसे लास्ट और सबसे दूर है नेपच्यून. वन ऑर्बिट अराउंड द सन इज 164 ईयर. वन स्पैन ऑफ एक्सिस इज 16 hours 7 मिनट. नंबर ऑफ मून 8, सैटेलाइट है 14. ठीक है, इनर प्लैनेट में देखते हैं कौन से. इनर प्लैनेट में है दिस प्लैनेट आर वेरी क्लोज टू द सन. दे आर मेड अप ऑफ रॉक्स. इनर प्लैनेट, ठीक है, ये रॉक्स से जो है, जो इनर प्लैनेट है चार, ये उनसे बने होते हैं. और वो जो है वो गैस और हॉट गैस और उन चीज से बने होते हैं जो अभी तक घूम रहे हैं. एक एनवायरमेंट, उसमें एक क्या बोलते हैं, क्लाउड्स वगैरह, जो उनका जो टेम्परेचर, जो एटमोसफियर है वो अच्छा क्रिएट नहीं हुआ है. अब आता है मरकरी. मरकरी वन ऑर्बिट अराउंड, सबसे नंबर क्लोज है ये सन के, अराउंड 88 डेज. वन स्पैन ऑन एक्सिस इज 59 डेज, नो सैटेलाइट. फिर वीनस, वन ऑर्बिट अराउंड द सन इज 255 डेज, नो स्पैन ऑन द एक्सिस. ऑन एक्सिस वन स्पैन ऑन एक्सिस, नो नहीं, ऑन वन स्पैन ऑन एक्सिस 243 डेज, नो सैटेलाइट. इसकी कोई सैटेलाइट नहीं है. अर्थ की सैटेलाइट है एक नेचुरल जो है मून, और इसका जो सन के अराउंड टाइम है वो 365 डेज. वन स्पैन ऑन एक्सिस 1 डे. नंबर ऑफ
मून्स वन, ठीक है, मार्स है चौथे नंबर पे जो पृथ्वी के क्लोज है, वन ऑर्बिट अराउंड मंगल ग्रह, वन ऑर्बिट अराउंड द सन इज 687 डेज, वन स्पेन ऑन एक्सिस 1 डे, एंड नंबर ऑफ मून टू, टू सेटेलाइट हैं फेबोस एंड डीमोस। फिर कुछ इनर प्लेनेट और आउटर प्लेनेट का डिफरेंस देखते हैं, इसमें क्या बोला गया। दे आर कॉल्ड इनर प्लेनेट इज टेरी स्ट्रियल और रॉक प्लेनेट्स, और आउटर प्लेनेट क्या है, दे आर कॉल्ड एज जोविन एंड गैसियस प्लेनेट। इनर प्लेनेट को बोला गया दे हैव ए कोर ऑफ मोल्टन मेटल्स, और आउटर को बोला गया फार अवे फ्रॉम सन, एंड दे हैव ए लार्ज नंबर ऑफ नेचुरल सेटेलाइट्स और मून्स, और इनर प्लेनेट में क्या बोला गया दे मूव फास्टर एंड हैव ए शॉर्टर पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन रिवोल्यूशन, और आउटर प्लैनेट्स में दे हैव रिंग सिस्टम अराउंड द सन एंड दे मूव रादर स्लोली और हैव ए लॉन्गर पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशन नहीं है वो वाला, नहीं है ये रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन। फिर आता बिगेस्ट प्लैनेट कौन सा है, जुपिटर, पर मैंने क्या बोला नेपच्यून, वो मैंने गलत बोला भाई, वो सही था। सबसे पहले जो दूर है वो कौन सा है, जुपिटर है, फिर थोड़ा, फिर दूसरे नंबर पे दूर कौन सा है, सबसे दूर सैटर्न है, फिर यूरेनस है, फिर नेपच्यून, ठीक है, ऐसे था वो। बिगेस्ट सैटेलाइट गैनीमेड, और ब्लू प्लैनेट अर्थ, ग्रीन प्लैनेट यूरेनस, ब्राइटेस्ट प्लैनेट वीनस, कोल्डेस्ट प्लैनेट नेपच्यून, इवनिंग स्टार वेनस, फोर्थेस्ट प्लैनेट फ्रॉम सन इज नेपच्यून, फोर्थेस्ट, चार छोड़ने के बाद। प्लैनेट्स विद मैक्सिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट, जुपिटर की सबसे ज़्यादा सैटेलाइट है, लार्जेस्ट प्लैनेट जुपिटर, सेकेंड लार्जेस्ट सैटर्न, स्मॉलेस्ट प्लैनेट मरकरी, प्लूटो इज नॉट ए प्लैनेट नाउ, अभी नहीं है प्लूटो प्लैनेट। एस्टोरियड क्या, क्या ये एस्ट्रो एस्टेरॉइड, अरे यार एस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं, एस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं, आर न्यूमेरियस टीनी बॉडीज दैट आल्सो मूव अराउंड द सन अपार्ट फ्रॉम द स्टार्स प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स। छोटे छोटे पत्थर के बड़े बड़े, इतने छोटे भी नहीं, काफ़ी बड़े बड़े हैं, बट टीनी पार्टिकल्स हैं जो ये घूमते रहते हैं सन के राउंड एक बेल्ट में, उस बेल्ट का नाम क्या है अब देखो, ऑर्बिट में कह लो। दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर, इन दोनों के बीच में जो ऑर्बिट है उसमें ये घूमते रहते हैं, जो आप देखते हो ना उल्का पिंड गिरेगा, वो यही अपने पास से जब डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं तो ये गिरते हैं। फिर आते हैं मेटेरियड्स, ये क्या होते हैं, आर स्मॉल पीसीज ऑफ रॉक दैट मूव अराउंड द सन, नो डेफिनेट शेप, इनकी कोई शेप नहीं होती डेफिनेट, दे फॉल थ्रू द एटमोसफियर एंड आर सीन एज द मेटेरियस और शाउटिंग स्टार्स। हाँ ये था भाई सोलर सिस्टम, इसके कुछ क्वेश्चन होंगे जो मैं ले आऊँगा, बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।